नमस्कार दोस्तों, कानपुर गुरुजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एज रिलेशन के इस पार्ट में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो पहले पहले चलिए देखते हैं इसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से किस तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन दे रखा है, मोहन और सोहन की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व इनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। तो मोहन की वर्तमान आयु कितनी है? तो ये तो पहले दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसको हम करेंगे पहले कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो पहले जो आयु का रेशो दे रखा है वो दे रखा है कितना, 5:4। तो हमने कहा जो एज होगी वो कितनी होगी, जो होगी वर्तमान एज जो होगी वो होगी 5x और 4x होगी। ठीक है, अब 2 वर्ष पूर्व यानी कि 2 वर्ष पूर्व है तो 5x माइनस 2 अपॉन 4x माइनस 2 इज इक्वल टू जो नया रेशियो आएगा वो आएगा 2 वर्ष पूर्व का 4/3। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 3 = 15, एक्स माइनस 2 × 3 = 6 इज इक्वल टू 4 × 4 = 16x और 4 × 2 = 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 उठा के इस साइड ले जाएंगे और 8 उठा के इस साइड लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमें निकालना क्या, मोहन की वर्तमान आयु। तो मोहन कितना था, 5x। ठीक है, तो 5x तो यानी कि 5x तो हो जाएगा 5 × x की जगह रख देंगे 2, तो ये हो जाएगा मोहन की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 10। तो जो मोहन की आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 10 वर्ष। तो ये तो था कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब चलिए एक इसी को हम इसी क्वेश्चन को हम एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, तो उसके हिसाब से आप इसको बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उस कॉन्सेप्ट को। तो चलिए देखते हैं अब ट्रिक क्या है। तो जैसे देखिए वर्तमान आयु का रेशो, तो वर्तमान यानी कि वर्तमान यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट में जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5:4। और जो पास्ट का जो रेशो दे रखा है, पास्ट का जो रेशो दे रखा है वो कितना है, 4:3। ठीक है, तो ये कितने वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो 2 वर्ष पूर्व का जो ये रेशो दे रखा है पास्ट में, तो हमने कहा अब इस रेशो में जो निकालते हैं अंतर कितने का आ रहा है, तो अगर हम इसके इसके बीच में निकाल लें तो कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और इसके इसके बीच में डिफरेंस निकालें तो कितना डिफरेंस आ रहा है, तो भी 1 का आ रहा है। तो यानी कि जो यहाँ से आएगा यानी कि 1 रेशियो जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 वर्ष के। तो 1 = 2 वर्ष। तो अब यहाँ से हमें 1 रेशियो की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें पूछ रहा है कि मोहन की वर्तमान आयु कितनी है, तो मोहन यही तो दे रखा था, मोहन यही तो है 5। ठीक है, मोहन 5 ही तो है। तो हमने कहा 1 रेशियो की वैल्यू 5 है, अरे 1 रेशियो की वैल्यू 2 वर्ष है, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 2 यानी कितना आ जाएगा, 10 वर्ष। तो इस तरीके से देखा आपने, बहुत ही आसानी से इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर डिफरेंस अलग होगा तो हम इन डिफरेंस को, इस रेशियो के डिफरेंस को पहले सेम करेंगे। ठीक है, तो वो भी देखते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, तो रेशो दे रखा है और 2 वर्ष पूर्व बोल दे, 2 वर्ष बाद बोल दे, और उनमें से किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है। अब अगर सोहन का पूछता तो यहाँ पे 4x यानी कि हम 4 × 2 कितना हो जाता है, 8 हो जाता। ठीक है, बाई चांस पूछ देता दोनों की आयु का योग कितना है, तो 5 और 9, तो 1 है 2 के बराबर, 1 रेशो जो है वो 2 वर्ष के बराबर है, तो इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 9 रेशो। तो 9 रेशो की कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। तो इन दोनों की आयु का योग अगर पूछ देता तो वो भी निकाल लेते इस तरीके से। तो अगर कुछ भी दे दे और इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं और बहुत ही जल्दी। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखते हैं उसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन। इसमें दे रखा है पुत्र पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का रेशो है। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7
1:3 का रेशो हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? ठीक है, तो अब ये वर्तमान में दे रखा है रेशो कितना, तो वर्तमान में दे रखा है यानी कि प्रेजेंट में जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 3:1। ठीक है, और 5 वर्ष बाद यानी कि फ्यूचर का रेशो दे रखा है। ठीक है, तो फ्यूचर का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 7:3। ठीक है, अब अगर हमने इन दोनों का अंतर निकाले तो अगर इसका इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसका इसका डिफरेंस निकालें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यानी कि ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं, और पहले सबसे पहले हमने क्या कहा था, इन दोनों चीज़ों को सेम होना चाहिए। अब सेम नहीं है तो हम इनको पहले सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, सेम करने के लिए हम इस इक्वेशन में गुणा करके देखेंगे कि कैसे ये सेम बन सकता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो जो इसका रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 6:2। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 7:3, नीचे तो 7:3 था ही। अब अगर इनके बीच में डिफरेंस देखें तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसके बीच में डिफरेंस, और 1 इसके बीच में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 1। तो अब डिफरेंस सेम हो गया, तो 1:1 जो होगा, अब यहाँ पे हमने कहा 1:1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 5 वर्ष के बराबर होगा। ये 1:1 है, ठीक है, 1:1 है। ठीक है, तो 1:1 जो है वो 5 वर्ष के बराबर है। तो अब पूछ रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, तो हमने कहा वर्तमान में कितना दे रखा है, 3:1। तो 3 से मतलब नहीं है, हमने जो नया बनाया था ये वाला, इससे मतलब है। ठीक है, तो पिता की ये है 6, तो पिता की जो वर्तमान आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 × 5 6 × 5 यानी कितनी हो जाएगी, 30। वर्तमान में 30 हो जाएगी, तो 5 वर्ष अगर पूर्व की बात की जाए तो उसमें से हम 5 घटा देंगे, तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व हो जाएगा 25 वर्ष। 30 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25 वर्ष। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर, 25। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन अगर दे रखे हों तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। आप इसको 3x माने, फिर उसके बाद x माने पुत्र की आयु को x, और उसके बाद 5 वर्ष बाद तो 5x जोड़ के 3x+5 करके, और फिर x+5 करके यहाँ पे 7/3 कर दें, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड वे है, लेकिन इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर रेशो में सिर्फ निकालना, उसके बाद अगर पिता की पूछे, पुत्र की पूछे, 3 वर्ष फ्यूचर में 5 वर्ष बाद पूछता, 7 से मल्टीप्लाई कर देते, और फ्यूचर में अगर पुत्र की पूछता तो रेशो हमें पता ही था, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन अगर दे रखे हों इस कॉन्सेप्ट से, वो बहुत ही आसानी से आप उसे 2 से 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए इस टाइप के भी क्वेश्चन को देख लेते हैं, और इसको हम बहुत जल्दी उसी ट्रिक से करेंगे जैसे हमने पहले कर चुके हैं। तो इसमें दे रखा है महेश की आयु जो है वो सुरेश की आयु की 2 गुनी है। तो यानी कि ये जो 2 गुनी दे रखा है, तो यानी कि कह रहा है कि महेश और सुरेश की आयु का रेशो दे रखा है, सुरेश और महेश की आयु का रेशो दे रखा है, तो कितना दे रखा है, 2:1। ठीक है, तो ये वर्तमान में बोल रहा है। अब 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है इधर, 8 वर्ष पहले जो है महेश की आयु जो थी वो सुरेश की आयु से, तो 8 वर्ष पहले का जो रेशो दे रखा है महेश और सुरेश का वो दे रखा है 8:4:1। तो ये दे रखा है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, क्योंकि 8 वर्ष पहले महेश और महेश की आयु जो थी वो सुरेश की आयु की आयु से 4 गुनी थी। तो जो इसका रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, महेश और सुरेश का, वो आ जाएगा 4:1। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें वर्तमान में जो रेशियो था, वर्तमान अगर रेशियो की बात करें तो प्रेजेंट में जो रेशियो था वो 2:1 था। ठीक है, और अगर हम पास्ट की बात, पहले की बात कर रहे हैं यानी कि पास्ट की, तो पास्ट में हम देखें तो जो रेशियो था वो कितना था,
2:1 था। तो अगर हम इनके बीच में अंतर निकालते हैं तो यहाँ कितना अंतर आ रहा है, 2, और यहाँ कितना अंतर आ रहा है, 0। ठीक है, तो अगर हमने देखा कि इन दोनों में अभी अंतर सेम नहीं है, तो हम सबसे पहले इन दोनों का अंतर हम सेम बनाएंगे। और अंतर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि ऐसी संख्या बनाएंगे जिससे इन दोनों का अंतर सेम आ जाए, तो ऐसी संख्या का इसमें गुणा करेंगे। तो हमने कहा अगर हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि हम अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3:2 6 और 3:1 3। अब अगर इनके बीच में डिफरेंस निकाल जाए, 6 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2, और 3 में से 1 जाएगा तो रेशियो, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2। यानी कि अब जो डिफरेंस आ गया वो दोनों का कितना आ जाएगा, सेम आ गया, डिफरेंस सेम है। तो यानी कि जो 2 रेशियो है, 2 रेशियो जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 8 वर्ष के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 8 वर्ष के बराबर हो जाएगा। तो अब सुरेश की आयु कितनी हो जाएगी, तो सुरेश की आयु 8 वर्ष बाद पूछ रहा है कितनी हो जाएगी। तो अगर हम सुरेश की आयु प्रेजेंट में निकाल लें तो हम 8 वर्ष बाद आराम से निकाल लेंगे। तो सुरेश की आयु कौन सी है, ये 3 तो है सुरेश की आयु, तो सुरेश की आयु कितनी है, 3:2। अब यहाँ पे 2 रेशियो जो दे रखा था वो 8 वर्ष दे रखा था, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। और अब यहाँ पे हम अगर 3 रेशियो निकाल लें तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3 12 हो जाएगा। तो जो वर्तमान आयु जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 वर्ष। लेकिन वो कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, यानी कि 8 वर्ष बाद जो है, 8 वर्ष बाद सुरेश की आयु कितनी होगी। तो 8 वर्ष बाद सुरेश की आयु पूछ रहा है, तो इस समय तो वो 12 वर्ष का है, तो 8 उसमें और जोड़ दो तो उसकी जो आयु आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 वर्ष। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा 3रा नंबर, 20 वर्ष। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन दे रखे हों एज रिलेशन में, सिर्फ इसी टाइप के कॉन्सेप्ट से हम इसके जितने क्वेश्चन हैं सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दे रखा है 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगुनी थी। ठीक है, तो रोहित जो था वो 2 गुना था, यानी कि जो रोहित और मोहित की आयु का रेशो निकल के आएगा वो आ जाएगा 2:1। और ये कब था, 10 वर्ष पूर्व, यानी कि 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है ये। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद जो है वो मोहित की आयु कितनी हो जाती है, मोहित की आयु हो जाती है 40 वर्ष। ठीक है, तो ये 40 वर्ष हो जाती है 10 वर्ष बाद। तो अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में, तो वर्तमान में मोहित की आयु कितनी हो जाएगी, अगर वो 10 वर्ष बाद जो 40 का है, तो 10 वर्ष यानी कि 10 वर्ष पूर्व यानी कि वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में कितने साल का हो जाएगा, 30 वर्ष का, क्योंकि 10 वर्ष आगे की बात कर रहे हैं तो 40 का है, तो वो 10 घटा देंगे तो वर्तमान में 30 आ जाएगा। अब वर्तमान में अगर 30 है तो उससे 10 साल पहले अगर हम बात करें तो उस समय उसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो उस समय जो मोहित की आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 20 वर्ष। ठीक है, तो मोहित की जो आयु हो जाएगी यहाँ पे 20 वर्ष। अब हमने कहा, हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि रोहित और मोहित का जो रेशो दे रखा था वो दे रखा था 2:1, और हमें मोहित की वैल्यू तो पता चल गई कितना, 20। ठीक है, तो 10 वर्ष पूर्व जो है रोहित की ये हो गई 20, तो हमने यहाँ पे रख दिया, तो रोहित की वैल्यू निकल के आ जाएगी, रोहित की कितनी आ जाएगी, 2:20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2:20 तो ये आ जाएगा 40। तो 40 वर्ष आ जाएगा कब, जब वो 10 साल पहले की बात कर रहा है, तब रोहित की आयु 10 वर्ष पूर्व जो था वो उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। तो अगर वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में उसकी आयु कितनी हो जाएगी, अगर 10 वर्ष पूर्व 40 है तो वर्तमान में हो जाएगा 40 + 10 कितना हो जाएगा, 50। तो जो उसकी वर्तमान आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 50 वर्ष। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। तो ये बताने में तो काफ़ी टाइम लगा,
लेकिन अगर हम देखें तो रेशो दे रखा था 2:1, 10 वर्ष बाद बोल रहा है सीधे 40, तो यहाँ से घटाएंगे 30 और यहाँ पे 10, तो यानी कि 10 और 10 20 घटा के सीधे हम पास्ट में चले आएंगे, 10 वर्ष पूर्व, मतलब प्रेजेंट से 10 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो 10 यहाँ से पीछे चलेगा तो ये प्रेजेंट में पहुँचेगा, और 10 और चलेगा तो ये यहाँ 10 वर्ष पूर्व जाएगा, तो यानी कि हमें टोटल 20 वर्ष चलना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कितना चलना पड़ेगा, 20 वर्ष, तो 20 वर्ष पीछे जाएगा तब जाके ये वहाँ पे पहुँचेगा। अब उसकी आयु उस समय 20 वर्ष थी, और रेशो दे रखा था रोहित और मोहित का 2:1, तो हमने रोहित मोहित की वैल्यू 20 रख दी और रोहित की वैल्यू निकल के आ गई। अब रोहित की निकल के आ गई जो 10 है उसमें जोड़ देंगे, क्योंकि 10 वर्ष बाद वर्तमान में आ रहा है, तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, रोहित की वर्तमान आयु निकल के आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। दे रखा है कि 3 साल पहले राम मोहन और सोहन की औसत आयु 27 साल थी, 5 साल पहले मोहन और सोहन की औसत आयु जो थी वो 20 साल थी, तो राम की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो अब देखिए क्वेश्चन में इसको करेंगे कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी दे रखा हो तो हम पहले हम क्या करेंगे, 3 वर्ष पहले जो दे रखा है, 3 वर्ष पहले राम मोहन और सोहन इन तीनों की जो औसत आयु दे रखी है वो 27 दे रखी है, 27 वर्ष औसत है, ठीक है। ये है एवरेज वैल्यू यानी कि औसत, ठीक है। और इधर दे रखा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जो है मोहन और सोहन की जो औसत आयु है वो है 20 वर्ष, ठीक है। तो ये है 20 वर्ष। अब ये 5 वर्ष पूर्व है और ये 3 वर्ष पहले है, ठीक है। तो हमने कहा अगर ये दोनों ही 5 वर्ष पहले होते तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता। तो अब हमने क्या किया, अगर हम इसको 3 वर्ष वाले को 5 वर्ष में कन्वर्ट कर लें, तो या तो इसको हम 3 वर्ष वाले को 5 में कर लें या 5 वाले को 3 में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो 5 वर्ष वाले को हमने क्या किया, 3 वर्ष में कन्वर्ट कर लिया, तो 5 वर्ष पूर्व था, यानी कि हम और आगे आ गए, मतलब 2 साल पहले और आ गए, 2 साल और आगे आ गए। तो हमने कहा 3 वर्ष पूर्व, अगर इसकी बात करोगे, 3 वर्ष पूर्व की बात करोगे, अब हमने इसको 3 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो 3 में कन्वर्ट कर लिया तो 3, अब दो 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 साल आगे आ गए, तो 2 साल आगे आ गए तो 2 साल इसका भी बढ़ा होगा और 2 साल इसका भी बढ़ा होगा, तो हमने कहा एवरेज में 2 बढ़ गया होगा। तो अब जो एवरेज आ जाएगा मोहन और सोहन का वो कितना आ जाएगा, 22 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो इसका एवरेज आ जाएगा वो 22 वर्ष हो जाएगा, और राम मोहन और सोहन का जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 27 वर्ष दे रखा है। तो अब अगर हम कहें इनका ये एवरेज है, तो यानी कि 2/3, और ये भी एवरेज है तो ये 2 हो जाएगा। तो राम मोहन और सोहन का इन तीनों का जो टोटल योग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 81। और इसी तरीके से अगर हम मोहन और सोहन का 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तो ये आ जाएगा 44 वर्ष, ठीक है। तो हमने कहा अगर मोहन और सोहन ये दिख रहा है और इन दोनों का योग जो इधर दे रखा है 44 वर्ष, और ये भी दे रखा है 3 वर्ष पूर्व ही है क्योंकि हमने 3 वर्ष में कन्वर्ट कर लिया है, 3 वर्ष पहले में इसको कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये भी 3 वर्ष पहले का ही दे रखा है, तो हमने कहा यहाँ पे उसको उठा के रख देंगे, तो जब R+44=81, तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 81-44 हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो 11, अब इसको घटा लेंगे तो 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, तो ये आ जाए 11 में से जाएगा तो 7, और अब यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 7, और 7 में से 4 जाएगा तो 3, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 35, 37। तो अब ये जो आंसर आया 37, ये कब का आंसर दे रखा है, ये दे रखा है 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले का, ठीक है। अब 3 वर्ष पहले का दे रखा है तो इसमें 3 और जोड़ना पड़ेगा, अगर वर्तमान की बात करें, ये दे रखा है 3 वर्ष पहले का, कब दे रखा है, 3 वर्ष पहले, और आंसर में हमसे क्या पूछा है, वर्तमान का। तो वर्तमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
वर्तमान निकालने के लिए अगर 3 वर्ष पहले का पूछ रहा है तो 3 वर्ष और जोड़ दो उसमें, तभी तो वर्तमान में आएंगे। तो जो वर्तमान में आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 40 वर्ष। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 40। दूसरा नंबर जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दूसरा नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से देखिए कर सकते हैं। तो इसमें किया क्या, बस हमने 5 वर्ष में था, दोनों को सेम टाइम मिलेगा। या तो हम इसको इसको भी हम कर सकते थे, इसको इसको भी 2 साल पहले ले जा सकते थे। अगर ये 3 वर्ष दे रखा है तो इसको हम 5 साल पहले ले जा सकते थे, ठीक है। तो या तो आप इसको ले जाइए या फिर इसको, इन दोनों में से किसी एक को सेम टाइम में ले जाइए। और सेम टाइम में ले जाने के लिए क्या, सेम टाइम में ले गया 2 वर्ष पहले, तो एवरेज में 2 इंक्रीज हो गया, क्योंकि 2 इसका भी इंक्रीज होगा, 2 इसका भी इंक्रीज होगा, तो एवरेज में भी 2 इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से अब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थे कुछ क्वेश्चंस एज रिलेशन से। तो इससे अगर कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।